Yeah. MD. JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Shorty, drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it. तो चलिए आप चलते हैं इसके रियर सीट्स पे। जो मेन अट्रैक्शन है इस गाड़ी का, आपको मैंने सबसे पहले बताया कि दिस कार इज शॉफर ड्रिवन। ड्राइवर्स चलाते हैं इस गाड़ी को, जो इस गाड़ी को खरीदते हैं इस गाड़ी को चलाते नहीं है, वो सारा मजा पीछे बैठ के लेते हैं। पीछे क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है वो देखते हैं, लेट्स गो। ये है इसकी ह्यूज सी एंट्रेंस। यहाँ पर इसमें ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। लेदर कवर्ड हैं ये, इनकी हेल्प से आप कार के अंदर जाएंगे ऐसे। यार क्या लग्जूरियस फील आ रहा है, इतना कंफर्टेबल लग रहा है, वाह। अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिटिंग कंफर्ट की, लेदर अपहोल्स्ट्री इसमें यूज़ की गई है, बहुत प्राइम क्वालिटी का लेदर इसमें यूज़ किया गया है, आपको बहुत कंफर्टेबल लगने वाला है। और स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो सी स्पेस देखिए, भर भर के है, मैं ऐसे पैर करके भी बैठ सकती हूँ। तो बहुत सारा मेरे पास नी रूम है, हेड रूम है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये कार आपकी 7 सीटर है और ज़्यादातर इसमें कैप्टन सीट्स का यूज़ किया गया है टू गिव यू मैक्सिमम कंफर्ट। अब स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स के लिए, जिसके लिए ये गाड़ी फेमस है। कंफर्ट कैसे आपको प्रोवाइड कर रही है, कंफर्ट के लिए देखिए जहाँ पे मैंने हाथ रखा, ये भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये आपका ओपन हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पर आपके पास सारी अपनी सीट्स की सेटिंग है, तो ये जो सीट्स है रिक्लाइनर की तरह है। यहाँ पर आपके पास सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन दिया गया है, अपनी सीट्स को आप वेंटिलेट कर सकते हैं, हीट करना आपको, कोल्ड करना, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से करेंगे। इसको पुश करके आप ऑन करेंगे और पुश करके वापस ऑफ कर देंगे। जो सबसे पहला बटन इसमें दिया गया है, तो आपने अभी तक ऊपर से जितनी भी सेटिंग्स की हुई हैं उनको वापस रीसेट करने के लिए आप इसको बटन यूज़ करेंगे। तो वो जितना भी आपने थाई सपोर्ट को इंक्रीज कर रखा था, बैक को ज़्यादा आपने डाउन कर रखा था, वो सारे वापस आ जाएंगे अपनी पोजीशन पे विद द हेल्प ऑफ दिस बटन। आप इसमें मेमोरी स्टोर कर सकते हैं दो लोग अपनी। ये आपके पास बटन दिया गया है अपने बैक को अप एंड डाउन करने के लिए। यहाँ पर आपके पास थाई सपोर्ट के लिए दिया गया है, और इससे भी आपका मन नहीं भर रहा है तो आप इसे और इंक्रीज कर सकते हैं। और ये आपका कंट्रोल दिया गया है लाइट के लिए, जो राइट हैंड साइड पे लोग बैठे हैं उनके लिए यहाँ पे कंट्रोल है, जो लेफ्ट पे बैठे हैं उनके लिए अलग उन्हीं की साइड पे कंट्रोल्स हैं। तो जैसे सपोज मैंने लाइट्स को ऑन किया और मुझे इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकती हूँ, यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकती हूँ। वाह क्या बात है। अब इस बटन को देखिए, मैंने आपको बताया था कि वापस सब कुछ रीसेट हो जाएगा, सी सब चीज़ें वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएंगी, ताकि मुझे उतरने में बहुत इजी हो, तो मुझे फर्दर बार बार कोई बटन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आई हैव टू प्रेस दिस बटन। अब बात करते हैं सेंटर कंसोल की। सेंटर में ये आपका हैंडरेस्ट है, आपको सेपरेट हैंडरेस्ट दिए गए हैं, थोड़ा सा पार्टीशन दे दिया है बीच में ताकि थोड़ा सा आपको प्राइवेसी फील हो। इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पर छोटी सी स्टोरेज दी गई है। इस बटन को अगर मैं प्रेस करती हूँ तो मेरी ट्रे बाहर आ जाएगी लाइक दिस, और इस पर मैं कॉफ़ी रख के पी सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, लैपटॉप रख के काम कर सकती हूँ, और भी यार कुछ भी कर सकते हो, फ़ोन को आराम से रख लो, अपने टैब को रख लो, जो भी आपको करना आप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और जा भैया हो गया आपका काम। और अगर मैं इसको प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे मेरे कप होल्डर ओपन हो जाते हैं, वेरी स्मार्ट। और बहुत प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। अगर आप कार का इंटीरियर फील करते हैं तो बहुत लग्जूरियस फील आ रही है आपको। बेज एंड ब्लैक और वुडन फिनिश, इन तीनों का बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है यार, मज़ा आ जाएगा आपको इस गाड़ी में। वैसे मैं प्लान कर रही हूँ गाड़ी खरीद लूँ क्या, बट चलाएगा कौन? जो लोग कार एंथोजियास्ट है ना, उनके बस का तो है नहीं पीछे बैठना। जैसे जिनके अंदर कीड़ा होता है, नहीं 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 भैया तू ठीक नहीं चला रहा, ऐसे कर वैसे कर, उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन जो लोग रिलैक्स रहना चाहते हैं, चैन से बैठना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी है ये गाड़ी।
जिनके अंदर कीड़ा है ना ड्राइविंग का, वो मत खरीदना। अब चलते हैं इसकी रियर सीट्स पे। यहाँ पर आपके पास ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर आपके पास ग्रैब हैंडल है, मगर ग्रैब करना क्यों है यार? ड्राइवर को अच्छा नहीं चला रहा ड्राइवर, तो पकड़ के बैठ जाना शायद इसलिए दिया गया। ये आपके पास मैगजीन होल्डर की जगह दी गई है, यहाँ पर आपके पास रिमोट के लिए जगह दी गई है, उसके नीचे आपके पास स्टोरेज है, इसमें छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हैं आप। उसके नीचे आपके पास HDMI पोर्ट दिया गया है, जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो फ्लोर है वो बिल्कुल आपको फ्लैट दिया गया है। आपको इनिशियली मैंने बताया था कि इनोवा के अंदर इस तरीके का मॉडिफिकेशन कराते थे लोग, जो शौकीन लोग होते थे वो इस तरीके के मॉडिफिकेशन कराते थे, क्योंकि अगर आपका बॉटम फ्लैट है तो उसमें मॉडिफिकेशन बहुत ईजी होता है, उसमें सोफ़ा वगैरह बहुत ईजीली लगवा सकते हैं। तो टोयोटा ने इस चीज़ को प्रोवाइड कर दिया है लग्जूरियस स्टाइल में, अपने स्टाइल में, क्योंकि आफ्टर मार्केट चीज़ें आफ्टर मार्केट ही होती हैं यार, उसमें वो मज़ा नहीं है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके बैक साइड में जाने के लिए आपको दो चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा, इसका और इसका। इसको प्रेस करने से आपका बैग डाउन हो जाएगा और इसकी हेल्प से इसको आप ऊपर करेंगे और सीट को आगे करेंगे तो आपके पास पूरी जगह आ गई है और बहुत इजीली आप पीछे जा सकते हैं। ये हड्डी क्यों रखी है इन्होंने? अगर मैं बैक के कंफर्ट की बात करूं तो सीरियसली यार बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप सामने वाले सीट को, रियर सीट वाले को फुल ऑन अनकंफर्टेबल कर दोगे, जैसे मैंने अभी कर रखा है, सपोज उस पर कोई बैठा हो तब तो मेरे ऐश है, तब तो मैं बहुत मज़े से बैठी हूँ। लेकिन अगर ये पीछे आ जाती है सीट, सपोज़ मैं इस सीट पर आपको बैठ के दिखाती हूँ, तब भी काफ़ी कंफर्टेबल है और उनके पास लेग रूम बहुत सारा है, तो अपनी सीट को वो आगे कर लेंगे हल्का सा, तो मेरे पास बहुत जगह है। तो आप कह सकते हैं कि इस सेगमेंट में अगर हम जो बैक सीट की बात करते हैं, पनिशमेंट की तरह लगती है हमेशा कि मुझे पीछे बैठना है, मुझे नहीं बैठना, लेकिन इस गाड़ी में आपको ये चीज़ बहुत कंफर्टेबल लगने वाली है। बैक में भी आपके पास इक्वल कंफर्ट है, बहुत कंफर्टेबल है, सोने का मन कर रहा है मेरा। एक चीज़ मैंने मिस की थी, सन ब्लाइंड्स को देख के मुझे याद आया, बैक में इसमें आपके पास सन ब्लाइंड्स हैं, आपके पास रियर सीट के ऊपर भी सन ब्लाइंड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैक वालों को कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा दी गई है, कुछ कमी कम है इनके पास। सीट एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, ये मैक्सिमम रिक्लाइंड है, लेकिन ये बहुत अच्छा रिक्लिनेशन है बैक पैसेंजर्स के लिए। साइड में आपके पास कप होल्डर दिए गए हैं, और सपोज कीजिए आपके आगे वाले बड़े ज़िद्दी से बैठे हुए हैं, वो नहीं हो रहे आगे पीछे, बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, तो आपको बार बार उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव कंट्रोल्स। देखिए आपके पास यहाँ पर दोनों कंट्रोल है, आप इनके बैक को डाउन कर सकते हैं ऐसे, और आप इनको आगे भी धकेल सकते हैं ऐसे तो आपके पास सारा कंट्रोल है, फिर आप आराम से राजा की तरह बैठ के ट्रैवल कीजिए। अगर मैं बैक साइड में बूट स्पेस की बात करूं, कि अगर आपको नहीं बैठना, ये लोग क्लेम करते हैं कि तीन लोग बैठते हैं पीछे, लेकिन दो बैठे ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं बता देती हूँ, अगर बीच में आप लोग बैठते हैं कोई, तो बीच वाले को नहीं यार, बीच में इतना कंफर्ट नहीं है, आप दो लोग ही बैठिए इसमें, तो इसको मोर ओवर 6 सीटर कहना चाहिए, इट इज़ नॉट 7 सीटर। बीच वाले के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल है, लॉन्ग ट्रिप पे आपको दिक्कत होगी, सिर्फ हेडरेस्ट देने से कार 7 सीटर नहीं बन जाती, कंफर्ट भी देना चाहिए था कुछ, इसको कुछ नहीं और करना चाहिए था, नहीं इट इज़ नॉट। तो ये थोड़ा सा एक आप इसके अंदर कमी कह सकते हैं गाड़ी के अंदर। और अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं, तो इसका बूट स्पेस वैसे तो अभी कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये मैंने फुल ऑन रिक्लाइन की हुई है, लेकिन अगर आपको बूट में सामान रखना है तो आप इन सीट्स को फुल ऑन फोल्ड करके साइड में कर देंगे और यहाँ पे बहुत आपके पास इनफ बूट स्पेस आएगा। दिखाऊं क्या? चलो दिखाते हैं। हाइड्रोलिक ओपनिंग है इसके अंदर, ऑटोमेटिक ओपनिंग और क्लोजिंग है इस कार के अंदर। तो अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूं यार, तो बूट स्पेस इसमें इतना है, अगर आप लोग 6 या 7 जने इसके अंदर बैठ के जा रहे हैं, अगर 4 जने जा रहे हैं तो आप बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऐसे करके और आगे कर सकते हैं, तो आपके पास इतना बूट स्पेस हो जाएगा दोनों साइड में, दैट इज़ इनफ। और अगर आपका फिर भी मन नहीं भर रहा और मेरी तरह लगेज पे लगेज भर भर के आपको लेके जाने हैं, तो आप इसको यहाँ से डाउन करके और इसको ऊपर करके इसकी हेल्प से यहाँ पर टक कर देना, मेरे से उठेगी नहीं यार, बड़ी भारी है। तो ये ऐसे करके दोनों सीट साइड में फोल्ड हो जाती है, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में होती है, और फिर आपके पास इतना सारा स्टोरेज और लगेज के लिए रूम है। वाह, तो यार ये थी हमारी टोयोटा वेलफायर, जो वैल्यू फॉर मनी कार मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ यार, अगर आप इस कार का प्राइस बताया मैंने आपको? नहीं बताया। 1,03,00,000 इसका ऑन रोड प्राइस है, और अगर इसी रेंज की आप बाकी कारों से इसको कंपेयर करते हैं, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी में अगर आप 1,00,00,000 की गाड़ी पे जाते हैं, तो नंबर 1 आपको वो कैरावन लुक में नहीं मिलने वाली, और नंबर 2 वो गाड़ियाँ हाइब्रिड नहीं है, दिस व्हीकल इज़ हाइब्रिड।
तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यस दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी। अगर आप कंफर्ट और लग्जरी को ढूंढ रहे हैं तो ये गाड़ी आप बहुत श्योरली कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप कल फिर मिलेंगे बहुत सारी मस्ती के साथ, कुछ गप्पे मारते हैं, गाड़ी दिखाती हूँ या कुछ लाइफस्टाइल के ऊपर बात करेंगे, देखेंगे कल क्या मूड करता है। तब तक आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहिए, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए, लव यू ऑल, बाय। और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है, हमेशा भूल जाती हूँ यार। चलिए बाय बाय। Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubborn, that's a fact, yo. And if you think